Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. जैसे आप जानते हैं, we are discussing the chemical properties of metals. Metals are the elements that have ability to lose electrons. They are mostly on the left side of the periodic table. And metals are the elements that are mostly solid at room temperature. ठीक, they form positive ions and electropositive ions. उन्हीं की हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे थे. फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी की है, दैट वाज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेशन. ठीक, एंड रिएक्शन विद ऑक्सीजन, हमने ये जाना कि मेटल्स रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ, लेकिन रिएक्टिविटी डिफर फॉर डिफरेंट मेटल्स, बिकॉज द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स इज डिफरेंट, द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करेक्टर ऑफ द मेटल्स इज डिफरेंट. सम मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स इजिली, some metals lose electrons with difficulty. You know, they require more energy to lose electrons. Hence, the reactivity of metals is different for different metals. Oxygen के साथ हमने जब reaction study की, तब हमने ये पढ़ा कि oxygen के साथ reaction में कुछ metals violently react होते हैं, vigorously react होते हैं on exposure to the air, और कुछ metals ऐसे हैं जो react होते हैं oxygen के साथ, metal oxides बनाते हैं, but on heating. और कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद ऑक्साइड्स बनाते हैं, और कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, जो टोटली रिएक्ट ही नहीं होते हैं ऑक्सीजन के साथ. तो दे डिफर इन देयर रिएक्टिविटी. इसके लिए हमने क्या रखना, याद रखना है रिएक्टिविटी सीरीज. लेकिन जब भी मेटल्स रिएक्ट होते हैं, तो जनरल रिएक्शन इज मेटल प्लस ऑक्सीजन, दे गिव मेटल ऑक्साइड्स, दे फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर. मेटल्स डू रिएक्ट विद वाटर, यानी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं. अब जब रिएक्ट होते हैं, रिएक्शन का मतलब ये है दैट न्यू सब्सटेंसेस विल बी फॉर्मड. तो यहाँ पर मेटल्स जब रिएक्ट होते हैं वाटर के साथ, तो फिर कौन सा नया सब्सटेंस वहाँ पर पैदा होता है. तो जनरली अब हम रिएक्शन लिखते हैं मेटल प्लस वाटर, एंड मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस. दिस इज जनरल रिएक्शन दैट यू कैन रिमेंबर. मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद द वाटर, व्हाट हैपन्स, टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्मड. वन इज मेटल हाइड्रोक्साइड, इन रेस्पेक्टिव जो मेटल रिएक्ट होगा उसका मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा. एंड वन जनरल करेक्टर ऑफ ऑल द रिएक्शन इज दैट हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने की इंडिकेशन हमें कैसे मिलेगी, हमें कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट बबल्स आर क्रिएटेड इन द वाटर, यानी बबल्स आर फॉर्मड. जिस वाटर में मेटल्स को रिएक्ट किया जाता है, वहाँ पर बबल्स फॉर्म होते हैं. जैसे बारिश के वक्त बबल्स पैदा होते हैं वाटर में, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होते हैं. लेकिन जब मेटल्स और वाटर को रिएक्ट करने के दौरान बबल्स पैदा होते हैं, वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं. हाइड्रोजन गैस की वजह से बबल्स क्रिएट होते हैं. उनको अगर हम टेस्ट करते हैं विद द बर्निंग मैच स्टिक, दे विल प्रोड्यूस द पॉप साउंड. नाउ हियर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद द वाटर आल्सो डिफर फॉर डिफरेंट मेटल्स. यहाँ पर भी ये डिफरेंस है कि जो मेटल्स रिएक्ट होते हैं वाटर के साथ, उस रिएक्टिविटी में भी डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है दैट सम मेटल्स रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, सम मेटल्स रिएक्ट विद द वार्म वाटर, some metals react with the hot water, some metals react with the steam. इसका मतलब ये है कि there are metals, most of the elements are metals, यानी most of the metals ऐसे हैं जो कि cold water के साथ react नहीं होंगे, लेकिन कुछ metals cold water के साथ भी react होते हैं. लेकिन कुछ metals cold water में water के साथ कोई reaction नहीं दिखाते. कुछ metals ऐसे हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं, वही मेटल्स जब उनको वार्म वाटर में डाला जाता है तो वो रिएक्ट मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. और कुछ मेटल्स ऐसे हैं, मैं अभी आपको समझाता हूँ, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो वार्म वाटर में होने के बावजूद भी रिएक्ट नहीं होते हैं, अनलेस द वाटर इज सो हॉट और द मेटल इट्सेल्फ इज सो हॉट कि दोनों जब तक ना उनका टेम्परेचर ज़्यादा किया जाए तब तक ये रिएक्ट नहीं होते हैं. या कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो वार्म वाटर के साथ भी, यानी हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं होते हैं, वहाँ पर भी मेटल्स ही की फॉर्म में रहते हैं, कोई हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं, बल्कि वो मेटल्स रिएक्ट होते हैं विद स्टीम. और स्टीम के बारे में आप जानते हैं कि स्टीम इज हैविंग मोर एनर्जी देन दैट ऑफ द बॉइलिंग वाटर. ठीक,
और कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, ना ही स्टीम के साथ रिएक्ट होते हैं. दे आर लीस्ट रिएक्टिव और वी कॉल देम एज नोबल मेटल्स. यहाँ पर भी एक्सेप्शन है. तो हर एक प्रॉपर्टी में एक्सेप्शन हैं. इसलिए इसके लिए हमें अगर लेबॉरेटरी में होते तो ये एक्सपेरिमेंट करते. इफ़ वी टेक द मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, अलमोनियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, कॉमन मेटल दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ. फिर अगर आप अलग अलग बीकर्स में कोल्ड वाटर लेंगे, अलग अलग बीकर्स में, आप आई मेरी बात समझ, हम बीकर्स लेंगे, इन हर एक बीकर में हम वाटर लेंगे एंड ईच मेटल इज पुट इन द सेपरेट बीकर. व्हाट विल वी ऑब्जर्व अगर इवन बीकर में कोल्ड वाटर से, व्हाट विल वी ऑब्जर्व, वी विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स. यानी रिएक्शन कब होगी, इंडिकेशन क्या होगी, इवोल्यूशन ऑफ गैस. वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस. और इवोल्यूशन ऑफ गैस इतको इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. तो हमें कहाँ पता चलेगा, बबल्स विल बी फॉर्मड इन दैट बीकर वाई रिएक्शन टेक्स प्लेस. हम ये देखेंगे दैट बबल्स आर फॉर्मड इन द बीकर कंटेनिंग सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम व्हेन द वाटर इज कोल्ड. इसका मतलब यह है कि इन मेटल्स में जो हमने मेटल्स, कॉमन मेटल्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इन मेटल्स को जो हमने टेस्ट करेंगे तो वी विल ऑब्जर्व दैट द मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम दे रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर. एंड द मेटल्स लाइक एलुमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मैग्नीशियम वगैरह, दे डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ रिएक्शन, एनी काइंड ऑफ बबल फॉर्मेशन इन द कोल्ड वाटर. और यहाँ पर भी डिफरेंस है, इन तीन में भी डिफरेंस है. द सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो वायलेंटली विद द कोल्ड वाटर. द सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स रिएक्ट सो वायलेंटली विद द कोल्ड वाटर दैट हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट सच अ रेट दैट इट कैच फायर. इन सच अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एंड एट सच अ ग्रेट स्पीड दैट इट कैच फायर. And that is why it is an exothermic reaction. यानी इतना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है कि जो ही ये एक्सपोज होता है एयर, इट कैचेस फायर इन द एटमोसफेयर एंड दैट रिजल्ट्स इन एन स्मॉल एक्सप्लोजन. तो एक्सप्लोजन हो जाता है. अगर आप ये एक्सपेरिमेंट वैसे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर दूर कहीं जगह कोई वाटर जमा होगा, उसमें अगर आप सोडियम के ग्रेन्यूल्स डालेंगे, आप वी विल ऑब्जर्व द एक्सप्लोजन देयर. एक्सप्लोजन क्यों होता है, क्योंकि सोडियम वायलेंटली रिएक्ट्स विद द पोटेशियम ये वाटर, या पोटेशियम वायलेंटली रिएक्ट्स विद द वाटर, लॉट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हिच कैचेस फायर एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी व्हिच रिजल्ट्स इन द एक्सप्लोजन. तो ये जो रिएक्शंस हैं ये वायलेंटली रिएक्ट होती हैं विद द कोल्ड वाटर. कैल्शियम आल्सो रिएक्ट्स बट नॉट एज वायलेंटली एज कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम. कैल्शियम किसी के साथ रिएक्ट कर सकते कोल्ड वाटर से, मगर तूतः वायलेंटली नहीं कहें, तूतः तेज नहीं कहें, यूतः कुछ तो कसा सोडियम एंड पोटेशियम. वी विल ऑब्जर्व दैट द पीसेज ऑफ कैल्शियम फ्लोट ऑन द वाटर. किस टाइप वो इसके कैल्शियम लाइक फ्लोट करने का पेट ऑन द वाटर. वाई, बिकॉज ऑफ द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस गैस स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द मैटर. ये बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस गई, हम गसन स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द मैटर, दे विल फ्लोट द मेटल ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर. तो कहने का मतलब ये है दैट द मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम दे रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर. अब रहते हैं बाकी मेटल्स. ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं. अब हम जब हम ये तीन मेटल्स हो गए कोल्ड वाटर के साथ, जब अब वाटर को चेंज करते हैं, नाउ कोल्ड वाटर इज रिप्लेस्ड बाय हॉट वाटर. नाउ कोल्ड वाटर इज रिप्लेस्ड बाय हॉट वाटर. व्हेन वी रिप्लेस, ये इसी कोल्ड वाटर करो रिप्लेस बाय द हॉट वाटर, व्हाट विल वी ऑब्जर्व, वी विल ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम, ये जो मैग्नीशियम अभी तक कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं हुआ था, कोई रिएक्शन नहीं दिखाई थी, अब मैग्नीशियम के बीकर में, जिसमें जिस बीकर में मैग्नीशियम है एंड द हॉट वाटर है, वी विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ और द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस और द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स. हम यहाँ पर बबल्स देखेंगे किस बीकर में, जिसमें मैग्नीशियम है. इट इंडिकेट्स दैट आउट ऑफ द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स,
अब हॉट वाटर के साथ जो मैग्नीशियम है जो अभी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं हुआ था, लेकिन इट स्टार्ट्स रिएक्टिंग विद द हॉट वाटर. इट मीन्स दैट मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद इट रैपिडली यानी स्लोली रिएक्ट्स विद द हॉट वाटर. हाउ कैन वी ऑब्जर्व दिस रिएक्शन? इट इज ऑब्जर्व्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हिच इज ऑब्जर्व्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स क्रिएटेड इन द वाटर. ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद द हॉट वाटर. रेस्ट ऑफ द मेटल्स जो वहाँ पर रह गए, हम ये देखते हैं कि ये वाटर हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं होते हैं. यहाँ पर भी मैग्नीशियम फ्लोट होना शुरू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम मेटल एंड दैट रिजल्ट्स इन द फ्लोटिंग ऑफ द मैग्नीशियम मेटल. अब उसके बाद जब अब मैग्नीशियम भी रिएक्ट हो गया, नाउ अब हम देखने हैं कि जो ये हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं हुए, अब रह गए यहाँ पर एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक, कॉपर एट्सेट्रा. इन ये जो मेटल्स हैं, ना ही ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हुए, ना ही ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट हुए. तो टेस्ट देयर रिएक्टिविटी विथ वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वाटर दैट इज स्टीम. क्योंकि वाटर की और एक फॉर्म है, दैट इज स्टीम, दैट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ वाटर. उसके साथ टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हमें कुछ अपराट्स की ज़रूरत है. कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ सिंपली एक बीकर चाहिए था, लेकिन यहाँ पर स्टीम के साथ रिएक्ट करने में कुछ अपराट्स की ज़रूरत है. वन ऑफ द अपराट्स इज बॉइलिंग ट्यूब. ठीक, उस बॉइलिंग ट्यूब में लेना है गिलास वूल, गिलास वूल, ठीक, और एक बर्नर चाहिए. क्या चाहिए? बर्नर, जिसे हम हीट देंगे. इसे कॉर्क चाहिए, जिसे हम इसका ये ट्यूब माउथ बंद करेंगे. ठीक है, और क्या चाहिए? और चाहिए एक डिलीवरी ट्यूब. और एक जार चाहिए जिसमें हम वाटर रखेंगे यहाँ पर. इसमें चाहिए गिलास जार, जिसको उल्टा करके इस डिलीवरी ट्यूब के ऊपर रखना है. गिलास जार, ठीक है. अब क्या करना है? जिस मेटल के साथ रिएक्ट करना है, जिस मेटल के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, उस मेटल को इन द सेंटर ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब, इस बॉइलिंग ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब रखना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर रखेंगे हम एल्युमिनियम. ठीक, एल्युमिनियम. व्हाट वी आर सपोज टू डू? वी आर सपोज टू डू दिस. दिस इज गिलास वूल, गिलास वूल. दिस गिलास वूल इज सोक्ड इन वाटर. इथ कन एयर 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 उधर गए एयर, मतलब गिलास एयर. ठीक, दिस गिलास वूल इज सोक्ड इन वाटर एंड पुट एट द बॉटम ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब, हॉरिजॉन्टल बॉइलिंग ट्यूब. और इसके सेंटर में रखना है वो मेटल जिसके साथ रिएक्ट करना है. वॉट विल हैपन? जो ही हम इसको बर्नर से हीट करेंगे, द वाटर फ्राम द गिलास वूल विल एवापरेट. अत कर वन वेपर्स. अत वाटर्स क्या गए? एवापरेशन. That vapors, that is the steam formed on the evaporation or the heating of this glass wool inside the tube, that will definitely pass in this, because steam is already on lighter. If I blow it, it's a little bit never. Again, while passing through the tube, it will definitely act on this metal. It will definitely act on the metal. It will act. And the steam will act on the metal. Will metal react or not? रिएक्ट मीनस ये भी यहाँ से एक्ट करेगा कि नहीं, ये भी एक्ट, फिर रिएक्शन होगी. अगर बात समझ कि स्टीम जहाँ से पास होगा इट विल एक्ट, लेकिन रिएक्ट होगा कि नहीं, रिएक्शन होगी कि नहीं, हाउ कैन वी ऑब्जर्व दैट? अगर रिएक्शन होती है तो डेफिनेटली यहाँ पर मेटल, अभी तक मेटल था, ये बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड और प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन गैस. तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स यहाँ पर क्रिएट होंगे वाटर में. वाटर विल राइज, यहाँ पर वाटर राइज होगा ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस. लेकिन अगर यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती है तो कोई बबल्स क्रिएशन नहीं होती है. दैट मीन्स एक्ट हुआ लेकिन रिएक्ट नहीं हुआ, मेटल्स वापस स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं हुआ. ऑन एक्सपेरिमेंटिंग
like this, with the metal like aluminium, zinc, copper and iron, we will observe that the metals like aluminium and zinc, they react with the steam. It's two metals, yam nagai cold water sa react, nagai hot water sa react, now they are showing the reaction with the steam, that is also the form of water. Okay? Now these metals react, but react with the steam only, not with the hot and cold water. Ab rahe iron and copper. Iron is the metal jo steam ke saath to react hota hai, lekin not in the ordinary condition. Ordinary condition means ki iron tab react hoga jab iron khud hot hoga. आयरन को स्टीम के साथ रिएक्ट करने के लिए क्या करना है कि वी हैव टू प्लेस हियर नॉट आयरन बट हॉट आयरन. व्हेन हॉट आयरन इज रिएक्टेड विद द स्टीम देन रिएक्शन ऑकर्स बिटवीन आयरन एंड द कॉपर, आयरन एंड द स्टीम इन आयरन एंड द वाटर. बट कॉपर इज द मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर इन एनी फॉर्म. ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं होता है, नहीं वाटर के साथ रिएक्ट होता है इन हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और इन द स्टीम. वो बाई दिस एक्सपेरिमेंट्स, by these observations and experiment, we came to the conclusion that metals react with water to form metal hydroxides. Metal react with water to form metal hydroxides. Metal hydroxides plus hydrogen gas. अब हम अलग अलग देखते हैं कि कौन सा metal कैसे react होते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात समझनी जरूरी है that how do metals react to the water? How do? What happens? कि जो ही metals react होते हैं water के साथ, यहाँ पर water की ionization होती है. We know that in the water there are two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. There is a structure of water molecule. And hydrogen slightly positive, oxygen is slightly negative. ठीक. जब metals react होते हैं, what does metals do? Metals ionize the water. यहाँ ionization होती है. Ionization means water gets converted into H positive and OH negative ions. ठीक. यहाँ जो H positive ions होते हैं, जो ही हम metals, क्योंकि metals यहाँ पर होते हैं, metals की वजह से ions होते हैं, metal loses electron. Because metals has a general property, they lose electrons. अब जो metal जल्दी जल्दी lose electron करता है वो vigorously react होगा, जो slowly lose करेगा electron वो slowly react होगा, जो electron lose ही नहीं करेगा इस water की energy में, that is least reactive or that does not react with the water. Metals lose करता है electron. जब metals lose करता है electron, this electron is accepted by this H positive ion. The H positive ion accepts the electron that is lost by metal. जब यह electron accept करता है, जब H positive ion electron accept करता है, it becomes hydrogen atom. It becomes hydrogen atom. अभी तक hydrogen ion था, अब यह बन गया hydrogen atom. And hydrogen atoms combine together to form hydrogen gas. They form hydrogen gas. So this is how hydrogen gas is evolved during the reaction between metals and metal hydroxides. Or jo metals lose electron karta hai, it becomes metal positive ion. Ye khud banta hai positive ion, ki electron jo lose karega wo banega positive ion. This positive ion reacts with, it is jo humne padha hai the law of forces mein, theek. या लॉ ऑफ चार्जेस में कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, दीज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दे रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म मेटल हाइड्रोऑक्साइड्स. दिस इज हाउ मेटल्स रिएक्ट विद द मेटल वाटर एंड फॉर्म मेटल हाइड्रोऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस. अब हमें यहाँ पर सिर्फ ये रखना है कि मेटल्स, ये हम जनरली लिखना है, मेटल्स रिएक्ट विद द वाटर एंड फॉर्म मेटल हाइड्रोऑक्साइड एंड गैस, बट सम मेटल्स रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, सम मेटल्स रिएक्ट विद द हॉट वाटर एंड सम मेटल्स रिएक्ट विद द स्टीम एंड सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट एट ऑल. फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम. सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर. फिर तो रिएक्शन यही होगी, इन प्रोडक्ट तो सेम होंगे, लेकिन यह फर्क क्या है, दे रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर एंड द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इज वायलेंट, दे रिएक्ट वायलेंटली विद द कोल्ड वाटर. सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस. रिएक्शन जनरली है, फिर आप रिएक्शन नीचे दिखाएंगे,
दैट इज एन ए प्लस एच टू ओ वाटर, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे आप कोल्ड, ठीक है, एन ए ओ एच प्लस हाइड्रोजन गैस एच टू गैस। फिर आप रिएक्शन बैलेंस कीजिए, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर तीन आ गए, टू टू ज़ार फोर, तो यहाँ पर भी टू, यहाँ पर भी टू। इसी तरह पोटेशियम की रिएक्शन भी दिखाइए एंड कैल्शियम की रिएक्शन भी दिखाइए। कैल्शियम रिएक्ट्स विद द वाटर, कोल्ड वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फार्मूला क्या है, सी ए ओ एच होल टूवाइस, क्योंकि ओ एच जो है इसकी वैलेंसी वन है, ठीक, मोनो नेगेटिव आयन। कैल्शियम इज डाई पॉजिटिव आयन, तो एक कैल्शियम आइटम की आयन की सेटिस्फेक्शन के लिए दो हाइड्रोक्साइड आयन की दरकार है, ठीक है, प्लस एच टू गैस। फिर यहाँ पर भी आप अभी बन गए टू टू ज़ार फोर, टू टू ज़ार फोर, ठीक है, ये हुई एक रिएक्शन। दीज मेटल्स रिएक्ट विद मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर। एंड मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, बी पार्ट आप लिखेंगे, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, रिएक्शन वही है, मैग्नीशियम प्लस एच टू ओ गिवस एम जी ओ एच होल टूवाइस प्लस एच टू गैस हाइड्रोजन गैस। प्रोडक्ट सेम है, ये फर्क सिर्फ ये है कि कोई हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, कोई स्टीम के साथ रिएक्ट होते हैं, कोई हॉट ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं। फिर मेटल अलमोनियम, जिंक, आयरन, या अलमोनियम एंड जिंक रिएक्ट विथ हॉट वाटर। फिर रिएक्शन वैसे ही दिखाएंगे आप, जिंक प्लस वाटर गिवस जेड एन ओ एच होल टूवाइस प्लस एच टू गैस। फिर बैलेंस करेंगे, ठीक है, एक बार रिएक्शन समझ आ गई फिर ये एग्जाम्पल देना आसान है। और लास्ट में आप लिखेंगे दैट देयर आर सम मेटल लाइक कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। तो अगर हम इन मेटल्स को, कॉमन मेटल्स को रिएक्टिविटी विथ वाटर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, सोडियम इज मोर रिएक्टिव विथ वाटर देन कैल्शियम, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन वाटर देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन वाटर विथ देन एलुमिनियम, एलुमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन वाटर देन जिंक, जिंक इज मोर रिएक्टिव विथ वाटर देन आयरन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन एंड विथ वाटर देन कॉपर। दिस इज हाउ मेटल्स रिएक्ट विद द वाटर एंड हाउ डू दे डिफर इन रिएक्टिविटी विथ वाटर। इट इज एनफ फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टैंड इट, सी यू टुमारो अगेन विद अनदर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम एट योर होम। खुदा हाफिज़।